A very good morning, dear students. Welcome to physics classes, class 11, unit 3. In first part, we discuss about the laws of motion. Firstly, we discuss about the inertia. Then we discuss about the Newton's law of motion, first, second, and third. Then we discuss about the linear momentum and conservation of linear momentum and its application. Then we discuss corrected motion and apparent weight of a person in a lift. बेटा यहाँ तक का पार्ट हम फर्स्ट पार्ट में यहाँ डिस्कस कर चुके हैं. आज हम जो सेकेंड पार्ट स्टार्ट करेंगे वो आपका सेकेंड पार्ट होगा फ्रिक्शन के बारे में. देखिए बेटा, यूनिट आपका जो है वो यूनिट थर्ड चल रहा है और उसका जो बी पार्ट है दैट इज फ्रिक्शन. फ्रिक्शन के बारे में आपको यहाँ पे डिस्कस करना है इन दिस चैप्टर. फ्रिक्शन होता क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, इसके एडवांटेज, इसके डिसएडवांटेज, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये सभी चीज़ें आपको इस चैप्टर में डिस्कस करनी है. सो व्हाट इज फ्रिक्शन. फ्रिक्शन होता क्या है, व्हेन एवर ए बॉडी मूव्स, जब भी कोई एक बॉडी मूव करता है और टेंस टू मूव, और मूव करने की कोशिश करता है ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, ए फोर्स कम्स इन टू प्ले. जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर या तो एक्चुअली मूव करता है या मूव करने की कोशिश करता है तो एक फोर्स प्ले में आता है. ए फोर्स कम्स इन टू प्ले विच एक्ट्स पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, जो कि किधर लगेगा, पैरेलल लगेगा, किसके पैरेलल, सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट. सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट का मतलब क्या है बेटा, जहाँ दो बॉडी आपस में टच है, कॉन्टैक्ट में है. एंड अपोजिट टू द मोशन, एंड अपोजिज द मोशन, और मोशन का क्या करेगा बेटा, अपोज करेगा. दैट फोर्स इज नॉन एज फ्रिक्शन. उस फोर्स को क्या नाम दिया गया है, फ्रिक्शन का नाम दिया गया है. सो व्हाट इज फ्रिक्शन, इट इज ए बेसिकली इट इज वन टाइप ऑफ फोर्स. ये आपका कॉन्टैक्ट फोर्स में आता है जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर या तो एक्चुअली मूव करती है या फिर मूव करने की कोशिश करती है तो एक फोर्स लगता है. और किधर लगता है वो फोर्स, पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट एंड अपोजिज द मोशन. दैट फोर्स इज नॉन एज, दैट फोर्स इज नॉन एज फ्रिक्शन. उस फोर्स को क्या कहा गया है, फ्रिक्शन कहा गया है. ठीक है, दिस इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड अपोजिंग फोर्स. इसको अपोजिंग फोर्स भी बोलते हैं. ठीक है बेटा, अगर हम बात करें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, जिसमें आपका फर्स्ट वन आता है स्टैटिक फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा, अपोजिंग फोर्स दैट्स कम इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी टेंड्स टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी बट द एक्चुअल मोशन हैज येट नॉट स्टार्टेड, दैट फ्रिक्शन इज नॉन एज स्टैटिक फ्रिक्शन. मतलब जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर मूव करने की कोशिश करती है, मूव की नहीं है, मूव करने की कोशिश करती है, एक्चुअली मोशन नहीं है, तो उस टाइम पे जब फ्रिक्शन लग रहा है उसको बेटा क्या कहा गया है, स्टैटिक फ्रिक्शन कहा जाता है. कौन सा फ्रिक्शन कहा जाता है, स्टैटिक फ्रिक्शन. सेकंड है आपके पास लिमिटिंग फ्रिक्शन. द अपोजिंग फोर्स दैट्स कम्स इन टू प्ले व्हेन बॉडी जस्ट बिगिंस टू मूव और स्लाइड्स ओवर अनदर सरफेस. जब जस्ट बॉडी क्या है, एक बॉडी दूसरी बॉडी के सरफेस पे जस्ट मूव करने वाली है, जस्ट वो स्टार्ट होने वाली है मूव करने के लिए, तो उस टाइम पे जो फ्रिक्शन लगता है ना बेटा उसको क्या कहा जाता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहा जाता है. बेसिकली जब हम बात करते हैं जब बॉडी मूव जस्ट मूव करने वाली है तो उस टाइम पे जो, देखिए जब तक मूव नहीं की है तब तक कौन सा फ्रिक्शन है, स्टैटिक. जस्ट मूव करने वाली कौन सा है, लिमिटिंग. तो जस्ट मूव करने वाली है उस टाइम पे स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो मैक्सिमम होता है. स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, मैक्सिमम. और उस मैक्सिमम फ्रिक्शन, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को ही क्या कहा जाता है बेटा, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहा जाता है. पॉइंट क्लियर है. सो अपोजिंग फोर्स दैट्स कम इनटू प्ले व्हेन बॉडी जस्ट बिगिन टू मूव और स्लाइड और अनदर सरफेस. तो उस टाइम पे जो फ्रिक्शन होगा उसको क्या नाम दिया गया बेटा, लिमिटिंग फ्रिक्शन का नाम दिया गया. पॉइंट क्लियर है यहाँ तक. नेक्स्ट आपके पास है काइनेटिक फ्रिक्शन.
द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच कम्स इन टू प्ले वेन ए बॉडी इज इन स्टेट ऑफ स्टेडी मोशन ओवर द सरफेस ऑफ अनदर. जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के सरफेस पे क्या कर रही है, मूव कर रही है, तो उस टाइम पे जो फ्रिक्शन होगा उसको क्या कहा गया बेटा, काइनेटिक फ्रिक्शन कहा जाता है. पॉइंट क्लियर है. जब बॉडी एक बॉडी दूसरी बॉडी के सरफेस पे मूव कर रही है तो उस टाइम पे जो फ्रिक्शन लगेगा उसको काइनेटिक फ्रिक्शन कहा गया है. इतना क्लियर है बेटा. तो जस्ट जब बॉडी आपका रेस्ट पे है उस टाइम पे फ्रिक्शन लगेगा उसको स्टैटिक फ्रिक्शन कहा गया. जस्ट मूव करने वाली है तो स्टैटिक क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, जिसको लिमिटिंग फ्रिक्शन कहा गया है. और जब बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देगी तो उस टाइम पे जो फ्रिक्शन लगेगा उसको क्या कहा गया बेटा, काइनेटिक फ्रिक्शन कहा गया है. पॉइंट क्लियर है. जस्ट अगर हम बात करें, देखिए जैसे ये कोई भी सरफेस है, ठीक है, रफ सरफेस है, ये ध्यान रखना. और यहाँ पे ये कोई भी ए ब्लॉक रखा हुआ है. पॉइंट क्लियर है बेटा. आपने अप्लाइड फोर्स इधर लगाया, मतलब आपने फोर्स इधर लगाया, दिस इज अप्लाइड फोर्स. मान लीजिए आपने अप्लाइड फोर्स कितना है, 1 न्यूटन, मतलब आपने 1 न्यूटन अप्लाइड फोर्स अप्लाई किया है इसके ऊपर, तो फ्रिक्शन भी कितना लगा बेटा, 1 न्यूटन लगा. फिर आपने 2 न्यूटन लगाया तो फ्रिक्शन भी कितना हो गया बेटा, 2 न्यूटन. फिर 3 लगाया तो फ्रिक्शन भी हो गया 3. अभी तक बॉडी मूव नहीं की है तो ये कौन सा फ्रिक्शन है बेटा, स्टैटिक फ्रिक्शन चल रहा है. तो पहले 1 था, फिर 2 है, फिर 3 है, तो इसका मतलब ये हुआ जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स चेंज हो रहा है वैसे वैसे फ्रिक्शन भी चेंज हो रहा है. बेसिकली जो फ्रिक्शन है वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना बेटा. कैसा फोर्स है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स. वो अपने आप को एडजस्ट करता है इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. आपको पता है फोर्स है तो वेक्टर होगा, वेक्टर है तो क्या होगा, डायरेक्शन भी देनी पड़ेगी. ठीक है, सो अप्लाइड फोर्स 1 न्यूटन, फ्रिक्शन 1 न्यूटन, अप्लाइड फोर्स 2 न्यूटन, फ्रिक्शन 2 न्यूटन, अप्लाइड फोर्स 3 न्यूटन, तो आपका फ्रिक्शन भी कितना हो गया, 3 न्यूटन. तो जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स चेंज हो रहा है वैसे वैसे फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट कर रहा है. इतना आया, इतना क्लियर है बेटा. नेक्स्ट अगर हम बात करें, अब देखिए जैसे ही आपने 3.1 न्यूटन अप्लाई किया तो जस्ट बॉडी क्या होगी, मूव करना स्टार्ट होगी. जस्ट ऑन द वर्ड्स ऑफ मूवमेंट है, मतलब जैसे ही 3 से थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स लगा तो बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देगी. तो ये जो 3 न्यूटन है ना, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, लेकिन ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है. पहले स्टैटिक कितना था, 1, फिर कितना, 2, फिर कितना, 3. तो जो ये 3 है ये क्या है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है यहाँ पे. पॉइंट क्लियर है. और इस मैक्सिमम को ही क्या कहा गया है, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहा गया है. और उसके बाद और ज़्यादा फोर्स लगाए तो मूव करना स्टार्ट कर देगी. उस टाइम पे जो फोर्स लगेगा, मतलब फ्रिक्शन लगेगा, उसको क्या कहेंगे हम बेटा, काइनेटिक फ्रिक्शन बोलेंगे. पॉइंट क्लियर है. अब मूवमेंट भी दो तरीके से हो सकता है, बॉडी दो तरीके से आपका मूव कर सकती है. नेक्स्ट आपके पास आपका काइनेटिक फ्रिक्शन है तो बॉडी दो तरीके से बेटा मूव कर सकती है, जिसमें एक होगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन और दूसरा होगा रोलिंग फ्रिक्शन. सिंपल सा है, आपको पता भी होगा स्लाइड. जब एक बॉडी दूसरे की सरफेस पे क्या करेगी, स्लाइड करती हुई मूव करेगी, तो उस टाइम पे जब फ्रिक्शन लगेगा वो कौन सा लगेगा बेटा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन. और जब बॉडी रोल करता हुआ आएगा तो उस टाइम पे कौन सा फ्रिक्शन लगेगा बेटा, रोलिंग फ्रिक्शन. जैसे ये इंक्लाइन है बेटा, यहाँ ब्लॉक रख दिया, अगर ये ब्लॉक सीधा आ रहा है बिल्कुल, तो ये स्लाइड करता हुआ आ रहा है. कैसे आ रहा है बेटा, ये स्लाइड करता हुआ, तो ये कौन सा फ्रिक्शन होगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा. पॉइंट क्लियर है. और जब बॉडी रोल करता हुआ आएगा तो उस टाइम पे जो फ्रिक्शन होगा वो आपका रोलिंग फ्रिक्शन होगा. क्लियर है बेटा. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रिक्शन के. सो फर्स्ट है आपका, बेसिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इन्हीं को हम क्या बोलेंगे बेटा, आपका बाद में चल के कुछ इनमें से कुछ जो पॉइंट होंगे वो आपका लॉज ऑफ फ्रिक्शन में काउंट हो जाएंगे.
तो फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। जो फ्रिक्शन होता है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, नॉर्मल रिएक्शन के। इसका मतलब क्या, जैसे ये कोई भी बॉडी है किसी सरफेस पे रखा, इसका मास कितना है एम, इसका वेट एम जी, किधर होगा बेटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसका नॉर्मल रिएक्शन किधर होगा अपवर्ड। तो जितना ज़्यादा नॉर्मल रिएक्शन होगा उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा। तो फ्रिक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके नॉर्मल रिएक्शन के। आर यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन का काम कर रहे हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन है Fs का मतलब है स्टैटिक फ्रिक्शन, डायरेक्टली है नॉर्मल रिएक्शन के, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया तो उसकी जगह क्या रखा बेटा हमने, कॉन्स्टेंट रखा, दैट इज म्यू एस। ठीक है, ये म्यू एस क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, सो एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस इंटू आर, तो म्यू एस हो गया एफ एस बाई आर। ठीक है, एफ एस क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, और आर क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, म्यू एस क्या है यहाँ पे, कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि इन दोनों का जो रेशियो होगा किसका, एफ एस बाई आर, वो क्या रहेगा बेटा, कॉन्स्टेंट। तो ध्यान देना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन दोनों के इंडिपेंडेंट होता है। पॉइंट क्लियर है, दोनों के क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, किस किस के, स्टैटिक फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन के। अगर यही लिमिटिंग का केस होगा तो एफ एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर के, क्योंकि स्टैटिक जब मैक्सिमम हो जाता है तो वही क्या बन जाता है बेटा आपका, लिमिटिंग फ्रिक्शन। सो एफ एल इज इक्वल टू, एफ एल का मतलब है लिमिटिंग फ्रिक्शन, म्यू एल इंटू आर, म्यू एल का मतलब है यहाँ पे कॉफिशियंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, वही होगा एफ एल बाई आर। जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों में, स्टैटिक जब बॉडी रेस्ट पे होती है और जब स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। अगर आपके पास बॉडी मूव कर रही है तो वहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, तो एफ के लिखा जाएगा, एफ के मतलब क्या बेटा, काइनेटिक फ्रिक्शन डायरेक्टली होगा आर के, सो एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू आर, सो म्यू के इज इक्वल टू एफ के बाई आर। पॉइंट क्लियर है, सो स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। सो फ्रिक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन के। ये लॉज ऑफ फ्रिक्शन का फर्स्ट पॉइंट भी होगा आपका। क्लियर है बेटा? सो आज हमने इसके बारे में बेसिक डिस्कस किया है, इसके डिफरेंट टाइप्स डिस्कस किए। थोड़ा और आगे करते हैं, ग्राफ बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अभी आप, मैंने एक एग्जांपल लिया था, क्या लिया था एग्जांपल, ये कोई भी ब्लॉक था, ये सरफेस था, यहाँ पे एफ अप्लाइड इस डायरेक्शन, तो फ्रिक्शन इधर लग रहा था, स्मॉल एफ यहाँ पे फ्रिक्शन है, कैपिटल एफ अप्लाइड फोर्स है। फोर्स कितना अप्लाई किया, 1 न्यूटन। फ्रिक्शन कितना हो गया, 1 न्यूटन। 2 न्यूटन अप्लाई किया, फ्रिक्शन 2 न्यूटन। तो सिंपल सी बात है, आपका जितना ज़्यादा अप्लाइड फोर्स होगा उसी के अकॉर्डिंग फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, बट एक लिमिट तक। उसके बाद क्या होगा, क्योंकि ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, और फिर बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देती है तो काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाता है। तो एक लिमिट तक ही अपने आप को एडजस्ट करेगा, मतलब इंक्रीज होगा। तो आपको बेसिकली यहाँ ग्राफ ड्रू करना है किस किस के बीच में, अप्लाइड फोर्स और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सो अप्लाइड फोर्स आपका एक्स एक्सिस पे है, फ्रिक्शन आपका वाई एक्सिस पे है। ठीक है, अप्लाइड फोर्स एक्स एक्सिस पे है, फ्रिक्शन बेटा आपका वाई एक्सिस पे है। तो देखिए, जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स आप इंक्रीज करेंगे तो इनिशियली फ्रिक्शन इंक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ तक कैसा ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, कि कौन सा फ्रिक्शन है बेटा, स्टैटिक फ्रिक्शन। उसके बाद क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन जब मैक्सिमम हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम बेटा, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो जो मैक्सिमम होगा वो कौन सा होगा आपका, लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स अप्लाई किया है, फ्रिक्शन इंक्रीज होता गया है, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है यहाँ तक, ये कौन सा फ्रिक्शन है बेटा, स्टैटिक फ्रिक्शन। और जब स्टैटिक क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, तो उसको क्या कहा गया, लिमिटिंग। और उसके बाद क्या होगा बेटा, काइनेटिक फ्रिक्शन, मतलब लिमिटिंग से काइनेटिक थोड़ा कम होगा। पॉइंट क्लियर है? सो ये ग्राफ है, इंपॉर्टेंट है, ग्राफ कई बार आ जाता है, अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन के बीच में ग्राफ।
थ्योरी ऑफ फ्रिक्शन की अगर हम बात करें, ओल्ड थ्योरी क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू ओल्ड व्यू द रफनेस इज कॉज ऑफ फ्रिक्शन। जो रफनेस होती है ना किसी भी सरफेस की, वो क्या होता है, रीजन होता है किसके लिए, फ्रिक्शन के लिए। बट अकॉर्डिंग टू ओल्ड व्यू में क्या कहा गया, इफ एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट इज लार्ज देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन शुड बी लार्ज, बट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया। मतलब क्या है बेटा, कि मतलब आप ये कह सकते हैं ओल्ड व्यू में तो क्या है कि जितना ज़्यादा आपका एरिया है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट जितना ज़्यादा है, अकॉर्डिंग टू ओल्ड व्यू जितना ज़्यादा एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट होगा उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शन होना चाहिए, बट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया। बट क्या फाइंड हुआ, एक्सपेरिमेंटली क्या फाइंड आउट किया हमने, कि जो फ्रिक्शन होता है वो इंडिपेंडेंट होता है एरिया के। व्हेन सरफेस इज इन कॉन्टेक्ट आर एक्स्ट्रा स्मूथ, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन शुड वैनिश, बट इट इज फाउंड दैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंक्रीजेज व्हेन सरफेस इन कॉन्टेक्ट आर एक्स्ट्रा स्मूथ। अगर आपने देखिए जैस कोई भी रफ सरफेस है, तो अगर उसकी स्मूदनेस आप इंक्रीज करेंगे, स्मूथ करने से फ्रिक्शन क्या होगा, कम होगा। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कोई भी सरफेस है आपके पास, जैसे जैसे आपने उसको स्मूथ किया है, स्मूथ करने से उसकी रफनेस कम हो गई, मतलब फ्रिक्शन कम हो गया। पॉइंट क्लियर है? तो जितना ज़्यादा सरफेस स्मूथ होगा फ्रिक्शन उतना कम होगा, बट एक लिमिट तक ऐसा होगा। अगर उस लिमिट को आपने क्रॉस कर दिया, मतलब आपने एक्सेस स्मूदनेस कर दी है, क्या कर दिया आपने, एक्सेस स्मूद कर दिया है, तो उस केस में क्या होगा बेटा, फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाएगा। उस केस में क्या होगा बेटा, फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाएगा, ये ध्यान रखना आप, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। क्या स्मूदनेस इंक्रीज करने से, स्मूदनेस इंक्रीज करने से फ्रिक्शन डिक्रीज होता है, बट एक लिमिट तक। अगर आपने एक्स्ट्रा स्मूदनेस कर दिए तो फ्रिक्शन आपका इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के एडवांटेजेस है, ब्रेक्स विल नॉट वर्क विदाउट फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन नहीं लगेगा तो ब्रेक्स आप अप्लाई नहीं कर सकते। वॉकिंग ऑफ ए पर्सन, कोई पर्सन मूव करता है, फ्रिक्शन वहाँ पर इम्पोर्टेंट है, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप मूव भी नहीं कर पाएंगे। राइटिंग ऑन द पेपर, ऑन द बोर्ड इज ऑल्सो पॉसिबल ड्यू टू द फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप बोर्ड पे पेपर पर राइट नहीं कर सकते। जो वेरियस पार्ट ऑफ मशीन है वो रोटेट करते हैं, अगर उनके बीच में फ्रिक्शन नहीं लगेगा तो वो रोटेट नहीं कर पाएंगे, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी ट्रांसफर होगा फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, वो फ्रिक्शन की वजह से ही ट्रांसफर होगा। पॉइंट क्लियर है? डिसएडवांटेज की बात करें तो वियर एंड टीयर ऑफ मशीनरी, जो मशीनरी पार्ट होते हैं वो आपका वियर एंड टीयर हो जाते हैं, ठीक है, कट फट जाते हैं वो फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ पावर इज वेस्टेड, मतलब लॉस ऑफ एनर्जी है एक तरह से, ठीक है, और डैमेज करता है क्या आपका मशीनरी पार्ट्स को, जो मशीनरी पार्ट है वो डैमेज होता है, हो जाते हैं वो फ्रिक्शन की वजह से। तो ये कुछ है डिसएडवांटेज है, एडवांटेज है, और हमने टाइप और इसके बेसिक के बारे में डिस्कस किया है आज की क्लास में।